माओवादियों से लिंक के आरोपों से बरी किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। नागपुर बेंच ने साईं बाबा को आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दिन इसको लेकर विशेष सुनवाई थी और जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सुनवाई कर चुकी है और इसके बाद नागपुर बेंच के फैसले पर इन्होंने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जीएन साईं बाबा को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। माओवादियों से लिंक के आरोपों से बरी किए गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं, आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आदेश पर रोक लगा दी है क्योंकि नागपुर बेंच ने साईं बाबा को आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ा झटका है जीएन साईं बाबा के लिए। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दिन भी इसको लेकर विशेष सुनवाई हुई और जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई के बाद नागपुर बेंच के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, जिन पर यह आरोप लगा रहा कि वो माओवादियों से कनेक्टेड है, माओवादियों से उनके लिंक है, लेकिन इस मामले में उन्हें पहले तो बरी किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के आदेश पर, लेकिन अब रोक लग चुकी है। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये जो पूरा मामला है, माओवादियों से लिंक के आरोप लगे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा पर, और अब एक बार उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, और आज शनिवार का दिन था। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच ने पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरीके से तकनीकी पहलुओं पर आधारित है। हाई कोर्ट ने सिर्फ आधार पर बरी करने का फैसला लिया है क्योंकि सेंसरिंग अथॉरिटी से जो आवश्यक मंजूरी थी मुकदमा चलाने के लिए यूएपीए के तहत, वो नहीं मिली, तो सिर्फ इस आधार पर हाईकोर्ट का फैसला है। लेकिन ये एक संजीदा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल निलंबित रखना ही सही फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल निलंबित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि साईं बाबा की रिहाई का जो मामला था, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं, आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।